हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस टैबलेट के बारे में जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है आज के समय में। दोस्तों, हर दूसरे बंदे में गैस की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आज के समय में। कुछ लोगों का पेट फूला रहता है, पेट में बहुत ज़्यादा चुभन रहने लगती है, हर समय खट्टी मीठी डकारें वगैरह आने लगती हैं, कुछ खाने को मन नहीं करता, भूख लगना बंद हो जाती है। उस परेशानी को दूर करने वाली टैबलेट के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, गैस्ट्रिका फीज टैबलेट के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, गैस्ट्रिका फीज टैबलेट के कॉम्पोजिशन क्या है, क्या इसके यूज़ हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, किस टाइम इसको यूज़ करना चाहिए, कितने टाइम तक इसको यूज़ करना है, किन लोगों को इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, वो सब आज इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आप देख रहे हैं DRX रेहान हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। इसको मैन्युफैक्चर करती है मैनकाइंड फार्मा। दो टैबलेट की पैकिंग रहती है, इसकी MRP रहती है ₹19। 6 टैबलेट की पैकिंग की MRP रहती है ₹66। दोस्तों, गैस्ट्रिका फीज टैबलेट के कॉम्पोजिशन क्या है वो जान लेते हैं। दोस्तों, गैस्ट्रिका फीज टैबलेट के कॉम्पोजिशन है अल्फा अमाइलेज 20 mg में रहता है, पेपेन जो है 60 mg में रहता है, एंड सिमेथिकोन जो है 25 mg में रहता है। दोस्तों, अल्फा अमाइलेज एंड पेपेन जो है एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये हेल्प करता है डाइजेशन में, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, इन सबके डाइजेशन में हेल्प करने में मदद करता है। दोस्तों, इसका उपयोग जो है पुरानी बीमारियों से संबंधित भूख ना लगना, पेट का हमेशा फूला रहना, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनना, उस परेशानी को दूर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों, सिमेथिकोन जो है रिलीव करता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में, जैसे एसिडिटी हो गया, ब्लोटिंग हो गया, हमारे पेट पे सूजन वगैरह आने लगती है, पेट फूलने लगता है, या इरिटेबल बाउल मूवमेंट, आंतों के मूवमेंट को जो है नियंत्रित रखने में मदद करता है। गैस्ट्रिका फीज टैबलेट के यूज़ क्या है वो जान लेते हैं। दोस्तों, गैस्ट्रिका फीज टैबलेट के यूज़ जो है ये रिलीव करता है हार्ट बर्निंग वगैरह में, ब्लोटिंग वगैरह में, सीने पर जलन वगैरह होने लगती है, या पेट पर सूजन वगैरह हो जाती है, या पेट फूला वगैरह रहने फूला फूला रहने लगता है, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। दोस्तों, रिलीव करता है स्टमक डिस्कम्फर्ट में, पेट की परेशानियों को दूर करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इम्प्रूव करता है ये डाइजेशन में, हमारी पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद करता है। दोस्तों, रेगुलेट करता है बाउल मूवमेंट को, आंतों के मूवमेंट को जो है नियंत्रित रखने में मदद करता है। ये रिड्यूस करता है इंटेस्टाइनल गैसेस को, एंटी अल्सरेंट हमारे आंत, हमारे स्टमक और ड्यूओडेनम में जो है इंजरी वगैरह हो जाती है उसको ठीक करने में मदद करता है। इनडाइजेशन, खट्टी मीठी डकारे वगैरह आने लगती हैं तो उसको दूर करने में भी मदद करता है। दोस्तों, गैस्ट्रिका फीज टैबलेट के साइड इफेक्ट क्या हैं वो जान लेते हैं। दोस्तों, गैस्ट्रिका फीज टैबलेट के साइड इफेक्ट हैं ये कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह करने लगती है, डायरिया वगैरह, दस्त वगैरह हो सकते हैं इससे, या कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन वगैरह भी देखने को मिलता है, रैशेज वगैरह, एलर्जी वगैरह, या ईचिंग वगैरह होने लगती है बॉडी में हमारी। दोस्तों, गैस्ट्रिका फीज टैबलेट को कैसे लेना और कब इसको यूज़ किया जाता है वो जान लेते हैं। दोस्तों, गैस्ट्रिका फीज टैबलेट को हम खाली पेट और भरे हुए पेट दोनों ही कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। इसको बेस्ट टाइम जो इसका लेने का होता है, सेम टाइम पे ही लेना होता है एवरीडे, यानी अगर आप मॉर्निंग में ले रहे हैं तो मॉर्निंग में ही लें इसको, इवनिंग में ले रहे हैं तो इवनिंग में ही लें इसको, यानी सेम टाइम पे यूज़ करना, कुछ समय तक रेगुलर इसको यूज़ करना होता है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी वगैरह या पेट वगैरह फूला रहता है, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए। दोस्तों, गैस्ट्रिका फीज टैबलेट को जो है आधा गिलास पानी में एक टैबलेट को डालना है और उसको अच्छे से डिजोल्व होने तक रुके रहना है। जब अच्छे से डिजोल्व हो जाए तो उस पानी को पी लेना है। किन लोगों को इसको यूज़ नहीं करना है वो जान लेते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का बहुत ज़्यादा BP बढ़ता है या बाईपास सर्जरी वगैरह हो रखी है तो उन लोगों को इस टैबलेट को यूज़ नहीं करना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।